जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और रिपीटेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और इन प्रश्नों की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पा सकते हैं, जिसकी लिंक है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आगामी UPSC LT ग्रेड UPTET लेखपाल SSC सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसका ये 8वां पार्ट है। अगर आपने पीछे के 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100, 50, 150 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कि जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो न्यूनतम संख्या लोकसभा की होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए। अगर संख्या 50 से कम है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति या फिर ये सभी। तो सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इसी के संबंध में एक और प्रश्न है कि ये महान्यायवादी ही एक ऐसा मात्र जो है ये पद होता है जो कि संसद का सदस्य भी नहीं होता है, फिर भी संसद की हर एक बैठक में शामिल होता है। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप सभी को याद कर लेना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि है भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री पद का या फिर जो है उप प्रधानमंत्री पद का या फिर उपराष्ट्रपति पद का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका उप प्रधानमंत्री का जो पद है इसका उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, भारत सरकार को कानूनी विषयों में परामर्श कौन देता है। तो जो है सही आंसर होगा भारतीय महान्यायवादी, ये भारत सरकार को कानूनी विषयों में परामर्श देता है। इसके बाद राज्य सरकार को कानूनी विषयों में परामर्श कौन देता है, तो जो है इसका सही आंसर होगा भारत का महाधिवक्ता। दोनों में अंतर जो है वो देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों में परामर्श देता है, सेम उसी प्रकार भारत का महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों में परामर्श देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज ये कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 55 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर है यह है 65 ईयर्स यानी कि 65 साल तक जो सुप्रीम कोर्ट का जज है यह अपने पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका होगा यह राइट आंसर होगा 65 साल। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की उम्र, तो राष्ट्रपति की जो मिनिमम उम्र होती है चुनाव लड़ने के लिए वो होती है 35 ईयर्स। तो आपको यहां से इसको भी रिलेट करके याद कर लेना होगा। और अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट के जज की जो यहां पे उम्र होती है वो 62 साल होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यह है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर उपराष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो जो इसका सही आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। और इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकता है। तो सही आंसर होगा 62 साल तक। 62 साल तक जो एक हाई कोर्ट का जज है यह अपने पद पर आसीन रह सकता है। और इसके बाद जो है बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, तो देख सकते हैं कि वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्तमान में जो हाई कोर्ट है टोटल ये 25 हाई कोर्ट है। और अब आप सभी को कमेंट में यह बताना होगा कि 25वां हाई कोर्ट कौन सा था। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं कि कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा भारत का राज्यपाल। जो एक राज्य का राज्यपाल होता है इसे राष्ट्रपति चाहे जब अपनी इच्छा से इसे हटा सकता है या फिर से नियुक्त कर सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा यह होगा
होगा ऑप्शन नंबर डी कि जो है राज्यपाल को राष्ट्रपति किसी भी वक्त इसके पद से हटा सकता है या फिर किसी भी वक्त नियुक्त भी कर सकता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आज के जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा इसका आंसर। और ये प्रश्न कल के वीडियो का नहीं है और ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है और यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग और जिसका पुराना नाम था योजना आयोग। तो आप सभी को जो है दोनों प्रश्नों का आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।